हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए हुए थे और थोड़े डिटेल्ड वर्जन में किए हुए थे। उसका रीजन यही था क्योंकि उन टॉपिक से काफी डिटेल्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। इवन इन प्रीलिम्स आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो काफी डिटेल में आते हैं। आगे हम लोग बढ़े हैं तो हम लोग देखेंगे आप छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे और यहाँ पर आपको काफी सर्फेशियल पढ़ना होता है। केवल आपको नाम जानना होता है और जानना होता है कि आखिर में किस स्टेट में, इस सेक्टर में, इस सेंस में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डांस एंड मार्शल आर्ट के बारे में, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फेस्टिवल्स के बारे में और अलग अलग जगहों पर न्यू ईयर कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे डांस फॉर्मेट एंड आर्ट मार्शल आर्ट के बारे में। पहले हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद से कुछ फैक्चुअल डिटेल देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसमें कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कि कैसे हम याद रख सकते हैं इन सारे फैक्चुअल डिटेल को। तो फटाफट शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए मेंस ओरिएंटेड अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज एंड दिस सीरीज हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस। आगे बात करें, सबसे पहले हम लोग डांस फॉर्मेट के बारे में अगर बात करें तो यहां पर देखिए थोड़े से पहले कुछ डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस ये डिराइव होती है नाट्य शास्त्र से और ये नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। कई सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे अलग अलग मुद्रास के बारे में बताया गया है, त्रिभंगा स्टाइल के बारे में बताया गया है, रस के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अलग अलग वेदों से हमने क्या क्या लिया हुआ है। इनके जो ट्रेसेस हैं, मतलब कि इनकी अगर ओरिजिन के बारे में बात करें तो लॉर्ड ब्रह्मा और उनके डेडिकेटेड लॉर्ड ब्रह्मा, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने नाट्य शास्त्र जो होता है वो फिफ्थ वेद के रूप में स्टार्ट किया हुआ है, जिसे नाट्य वेद भी कहा जाता है। चारों वेद के बारे में अगर बात करें तो देखिए वी हैव ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इन सारे लोगों से, मतलब कि ये चारों वेद हैं, इन चारों वेदों से हम अलग अलग चीज निकालते हैं। जैसे कि ऋग्वेद से हम लेते हैं शब्दों को, इसी तरीके से यजुर्वेद से हम लोग लेते हैं अभिनय को, इसी तरीके से सामवेद से हम लोग लेते हैं म्यूजिक को और अथर्ववेद से हम लोग इमोशंस को लेते हैं। इस इमोशन में अगर और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रस। रस का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इमोशंस। हमारे पास टोटल अगर इमोशन के बारे में बात करें तो वी हैव 9 टाइप ऑफ इमोशंस, जैसे अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। जैसे श्रृंगार रस होती है, रौद्र रस होती है, विभत्स रस होती है, वीर रस होती है, शांत रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक और अद्भुत रस होते हैं। नाम याद रखने की ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप नंबर जानते रहिए कि वी हैव 9 टाइप ऑफ डिफरेंट इमोशंस जिसे हम लोग रस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास होती है। मुद्रा का मतलब किस फॉर्मेट में आप डांस कर रहे हैं, तो ये जो डांस होती है उसे मुद्रा बोलते हैं और हमारे पास टोटल मिला के 108 मुद्राएं लिखित रूप में पड़ी हुई हैं। ओनली बी परफॉर्म्ड बाय द ट्रेन्ड डांसर्स एंड हैव वेरी पर्टिकुलर मीनिंग फॉर ईच स्टेप, जिसे हम लोग मुद्रा बोलते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ट में भी हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि हमारे पास अलग अलग तरीके के बुद्धा हैं जो अलग अलग मुद्रा में हैं और ये हमारे पास टोटल मिलाकर के 10 मुद्राएं आ जाती हैं बुद्धिज्म में भी, भगवान बुद्ध के भी बारे में। तो इनको भी हम लोग देखेंगे आगे क्या हमारे मुद्रा है और उनका मतलब क्या और पोस्चर किस तरीके का है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, अगेन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे अगर बात करें तो देखिए कुछ बेसिक फॉर्मेट ऑफ द डांस है, जैसे इसमें मेनली 3 आ जाते हैं। एक होता है जिसे नाट्य बोलते हैं, दूसरा होता है जिसे नृत्य बोलते हैं और तीसरा होता है जिसे नृत्य बोलते हैं। नृत्य का मतलब होता है जो डांस होता है, जिसे आप जानते हैं कि ये जो होता है नृत्य है। यहां पर जो होता है ये नाट्य, नाट्य का मतलब हो जाता है ड्रामा और ये है नृत्ता, नृत्ता का मतलब हो जाता है, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज होती है। नाट्य का मतलब होता है जहां पर बेसिकली इमिटेशन ऑफ द कैरेक्टर की जाती है, कि यानी कि यहां सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एक्सप्रेशंस और इस एक्सप्रेशन के जरिए इमोशंस को जो है वो शो किया जाता है, इमोशन को दिखाया जाता है। तो ये एक ड्रामेटिक कैरेक्टर होता है बेसिकली। जबकि वही नृत्य के बारे में बात करें तो यहां पर पूरा का पूरा प्योर डांस होता है, मतलब यहां पर इमोशन एक्सप्रेशन इनसे मतलब नहीं होता है,
यहां पर अलग अलग मुद्रा दिखाई जाती है और वो भी रिदम्स एंड फ्रेजेस ऑफ म्यूजिक के साथ में। तो ये बेसिकली बॉडी जेस्चर्स या फिर जिसे आप बोल सकते हैं कि ये मुद्रा है। लेकिन अगर नृत्य में बात करें तो बेसिकली नाट्य और नृत्य इन दोनों को जब अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं नृत्य। यहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, हैंड जेस्चर भी होते हैं और साथ ही साथ में एक मुद्रा भी आती है, बॉडी जेस्चर भी आते हैं, पोजीशन ऑफ द फीट एंड लेग्स भी आते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरीके के बेसिक इंडियन क्लासिकल डांस है। एक होते हैं जिसे तांडव बोलते हैं और दूसरा होता है जिसे लस्य बोलते हैं। जो तांड होता है वो बेसिकली मेल करेक्टर होता है, जबकि लस्य के बारे में बात करें तो ये बेसिकली फेमिनिन करेक्टर होता है। यहां पर अलग अलग तरीके के भाव वगैरह दिखाए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्लासिकल डांस में हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है संगीत कला एकेडमी, या फिर इसी को बोल सकते हैं आपकी संगीत नाटक एकेडमी इसको बोलते हैं। तो इन्होंने बेसिकली 8 टाइप ऑफ क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, मोहनी अट्टम, ओडिसी एंड सतरिया है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल्ड बारे में बात करें तो देखिए, एक है जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम बेसिकली तमिलनाडु की डांस फॉर्मेट में। कथक के बारे में बात करें तो कथक जो है वो यूपी का डांस है। इसी तरीके से अगर कथकली के बारे में बात करें तो कथकली में आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो चेहरा है उसपे कई सारे जो होता है कलर्स वगैरह लगाए जाते हैं। जो ये कलर होते हैं बेसिकली वो अलग अलग इसके मतलब होते हैं। ये सब मेनली मेंस ओरिएंटेड आपकी डिस्कशन हो जाएंगी, यहां पर आपको प्रीलिम्स में जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर केवल और केवल नाम से याद रखना होता है कि किस स्टेट में क्या है। तो अगर कथकली के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली केरला का है, दिस इज केरला का डांस। कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश का डांस हो जाता है। आगे मणिपुरी के बारे में बात करें, नाम ही बता रहा है कि ये मणिपुर से होगा, और इनफैक्ट इसी मणिपुरी से जो इसका अलग अलग डांस फॉर्मेट है, जैसे एक सतरिया डांस फॉर्मेट है, इसी तरीके से एक थांगटा मार्शल आर्ट है, वो भी इसी मणिपुरी डांस से ही इन्फ्लुएंस्ड है। इसके बाद मोहिनी अट्टम आती है, ये मोहिनी अट्टम भी अगेन केरला का ही डांस है। ओडिसी नाम से पता चल रहा है उड़ीसा का होगा, सतरिया और ये जो है बेसिकली असम का डांस है। तो हमारे पास ये टोटल 8 तरीके से आ जाते हैं, जिसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में क्या होता है कि इसे फायर डांस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्चर्स लिए जाते हैं, मतलब जो मुद्राएं ली जाती हैं, उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो बॉडी है वो एक तरीके की आग है और आग की लपट उठ रही है, यही दिखाया जाता है। बेसिकली द फायर और फायर से होने वाली जो भी चीजें आती हैं उनको बोला जाता है। अब हम लोग जरा आगे बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास जो है फोक डांसेस वगैरह हैं और उसको जो है स्टेट वाइज मिला करके लिखा गया है। पहले हम लोग इसके ऐसे रीड कर लेंगे, इसके बाद से मैं एक ट्रिक बता दूंगा और ट्रिक के बेसिस पे वापस से हम लोग इसी टेबल पे आएंगे और देखेंगे कि आखिर में जो हमारी ट्रिक है उससे आपको याद हुआ या नहीं हुआ। मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो आपको ये पूरा का पूरा चीज अपने आप याद भी हो चुका होगा, केवल आपको रिवाइज करने की जरूरत रहेगी, जो कि आप जो होता है डे बाय डे रिवाइज करते रहेंगे। यहां पर देखिए, आपको अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है तो ये ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स का मतलब ये होता है कि आप किसी तरीके से केवल और केवल वर्ड को कैच कर लें, बिकॉज इन द एग्जाम यू विल हैव 4 ऑप्शंस, इन दैट 4 ऑप्शंस यू हैव टू पिक 1। आपको वहां पर जो होता है बेसिकली पहचानने की कोशिश ही करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर जानने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर बात करें, सबसे पहले आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो होता है सबसे पहला जो डांस है जैबरो, फिर स्पावो, फिर धूमल, मास्क और रॉफ। यहां पर देखिए, मैंने लद्दाखी डांस और जम्मू कश्मीर डांस दोनों ही एक साथ मिक्स कर दिए हैं। जैसे अगर बात करें यहां पर जबरो और स्पैवो और मास्क, ये तीनों जो डांस है वो लद्दाख का है। वही अगर बात करें धूमल और रॉफ, ये जम्मू कश्मीर का डांस है। सिमिलरली अगर पंजाब के बारे में बात करें, यहां पर घूमर, भांगड़ा और गिद्धा, ये तीन तरीके के फोक डांसेस है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो चरबा, किन्नौरी, नट्टी, ये दोनों के दोनों जो होता है वो हिमाचल प्रदेश के। सिमिलरली राजस्थान के बारे में बात करें तो घूमर, कालबेलिया और चक्री, जिसमें से जो है कालबेलिया काफी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की इन टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज भी इसको मिली हुई है, और ये कालबेलिया ट्राइब के लोग जो होता है वो डांस करते हैं। इफ यू एवर बीन इन जैसलमेर तो वहां पर जो है आपको कालबेलिया डांस जो है वो दिखाया गया होगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो रासलीला,
दादरा एंड धोबिया, ये तीन तरीके के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है। बिहार के बारे में बात करें तो बिरहा आपने सुना होगा, मतलब कई बार नाम वगैरह सुना होगा। इसके अलावा जाट जटनी, ये दो भी अगेन हमारे पास फोक डांसेस आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल, दिस इज छऊ एंड अलकाप। छऊ जो होता है वो केवल और केवल वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि आसपास के भी एरियाज में, जैसे झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया, वहां पर भी छऊ डांस है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज उड़ीसा हियर, और यहां पर भी छऊ डांस है। गुजरात में अगर देखें तो गरबा बेसिकली द इंपॉर्टेंट डांस हियर। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहां देखिए जवारा, रई, बरेडी और बधाई, ये जो है चार इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। ओडिशा में छऊ के अलावा देखें तो देखिए पायका हो जाएंगे, झूमर हो जाएंगे, यहां पर देखिए दिस इज घूमर और ये है झूमर, यहां पर फिर दंडा जत्रा, फिर दलखाई, चेंगू एंड गोटीपुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर फोक डांसेस हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहां देखिए गोरी मोरिया, फिर राउत नाच, दिस इज मिसप्रिंट हियर, राउत नाच, ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस है। अगर वही झारखंड देखें तो छऊ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और साथ ही साथ झारखंड में छऊ डांस होती है। इसके अलावा मटकी, अलकाप, अलकाप इज अगेन रिपीटेटिव, वेस्ट बंगाल में भी होती है और झारखंड में भी होती है। झूमर इसी तरीके से रिपीटेटिव है, दोनों ही जगहों पर होता है। इसके अलावा कर्म नाच भी होती है, कर्म नाच बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू इस पूरे रीजन में मनाया जाता है, मतलब कि ये डांस करते हैं, फोक डांस होती है। केरल में बात करें तो वी हैव कुंभी, मईलट्टम, इसके अलावा कोई कोटी कोलई, इसके अलावा पदयानी, देन परिचिकाली, देन चक्यार एंड कूटू। देखिए मैं भी थोड़ा सा नाम आप लोगों को टफ लगेगा, बट अगेन आफ्टर द ट्रिक आपको ये सारी चीजें आसान हो जाएंगे। इनफैक्ट यू कैन गेस द आंसर, बहुत ही इजिली आप आंसर बता ले रहे होंगे। तमिलनाडु में बात करें द सेम थिंग अगेन, यहां पर जो होता है रिपीट हो रही है, कुंभी एंड मईलट्टम, ये दोनों के दोनों तो कॉमन कॉम्बस है। इसके अलावा पटकुनिया एंड कडंगम एंड कवादी, कडंगम अगर आप जानते होंगे तो कडंगम नाम से एक साड़ी भी आती है बेसिकली यहीं की, और इसको जो होता है इस बार GI टैग दे दिया गया, तो आपको एक चीज क्वेश्चन तो अपने आप तैयार हो गया, कडंगम साड़ी से आप याद कर लेंगे कि तमिलनाडु का ये है सीन, ठीक है। कडंगम के अलावा और क्या दिया गया इस बार के GI टैग में, कड़ंगम, इसके अलावा डिंडिगुल लॉक को भी दिया गया, और साथ ही साथ में यहां पर एक प्रसाद भी दिया जाता है पंचामृतम, उसको भी जो होता है GI टैग दिया गया है। क्लियर हो गया, ओके। कर्नाटक में अगर देखेंगे तो यहां पर भूत आराधना, भूत आराधना, भूत मतलब वही वाला भूत है ये, ठीक है, भूत आराधना, ये फोक डांस है यहां का। आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो बुर्रा कथा और बूता बुम मलाटू, ये जो होता है दो इंपॉर्टेंट फोक डांस है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो लावनी, दिस इज इंपॉर्टेंट डांस यार, इसके अलावा लेजी मैन कोली भी इंपॉर्टेंट फोक डांस है। गोवा में तरंगमल, फुगडी एंड लैंप डांस, लैंप डांस मतलब वही होता है कि अपने सिर पर, हेड पर लैंप रख करके फिर डांस करते हैं। नागालैंड में अगर देखें तो रंगमा बैंबू, ये बेसिकली द इंपॉर्टेंट डांस यार। मिजोरम में अगर देखेंगे तो चेराओ जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट डांस है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए ये तो हो गया आपका डांस फॉर्मेट, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, मतलब कि ट्रिक कैसे क्या काम करेगी, तो ट्रिक के बारे में अगर मैं बताऊं, यहां पर देखिए अगेन ट्रिक इज ओनली ट्रिक एंड दिस इज टू मेमोराइज द वर्ड्स, ये सारे के सारे याद रखने के लिए केवल बनाए गए, इसका किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए वन बाय वन करके मैं पहले एक काम करता हूं, एक सेपरेट पेज पे यहां पर अगर हम लोग पहले ट्रिक का देख लेते हैं, फिर उसके बाद से देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन हियर एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जम्मू कश्मीर के लिए अगर मैं कहूंगा द ट्रिक इज कि यहां पर जबरदस्ती दुमकी स्पा करा दी गई है, तो जबरदस्ती करवाई जाती है ना, तो जबरदस्ती आप स्पा कराना नहीं चाहते हैं लेकिन आपकी जबरदस्ती आपके दुमकी स्पा करा दी गई है, दुमकी स्पा करा दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद से पंजाब में तो खैर आप आराम से बता सकते हैं कि घूमर और भांगड़ा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चरबा, हिमाचल प्रदेश के लोग जो होता है वो, जैसे यहां पर क्या होता है मेनली नोमैडिक पर्संस होते हैं और नोमैडिक होने के कारण से ये चरवाहे ज्यादा होते हैं, इसलिए चरबा, ठीक है, ओके। आगे अगर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट जो होगा वो बिहार में, जैसे बिहार में क्या होता है, बिहार में इसके बाद से अगर इंपॉर्टेंट देखेंगे तो एक तो बिरहा हो जाता है, बिरहा तो खैर गाया ही जाता है, इसके अलावा जाट जाटिन, दिस इज जाट जाटिन भी यहां पर हो जाएगा। आगे अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अगर देखेंगे तो वी हैड टू थिंग्स, एक जो था उसका नाम था हमारा दिस इज छऊ, छऊ डांस तो थी ही, छऊ के लिए तो मैंने बता दिया कि ये बेसिकली
उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल तीन जगहों पर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहां पर हमने बोला था अलकाप। अब देखिए अलकाप से आप याद कर सकते हैं, वी हैव अ सिंगर, इनका नाम है अलका याग्निक। दिस इज अलका याग्निक, और अलका याग्निक एक्चुअली कोलकाता की ही है। तो ये वेस्ट बंगाल आप यहां से याद कर सकते हैं, अलकाप, अलका याग्निक, जो कि वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती है। तो ये दोनों के दोनों छऊ भी यहां पे हो जाएगा और यहां पर भी अलकाप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन भी याद हो गया। इसके अलावा और उड़ीसा में और बात करें तो यहां पर देखिए छऊ और अलकाप ये दोनों तो याद हैं। इसके अलावा डंडे से, डंडा होता है ना, तो डंडे से मारकर, डंडे से मारकर दाल पिलाया गया, दाल पिलाया गया, ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी आगे अगर बात किया जाए तो आगे साउथ इंडिया में अगर देखेंगे तो देखिए केरला के बारे में पहले बात कर लेते हैं। केरल में आपको याद करना है कि पद्यानी एक कोई महिला है, पद्यानी का परिचय कथा, दिस इज परिचय कथा, परिचय कथा बताने के लिए कई करोड़ लोग थे, कई करोड़ लोग थे, ये बताया गया कई करोड़ लोगों के द्वारा, दिस इज केरल, ठीक है। इसी तरीके से तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु में पट कथा बनाई जाती है, जैसे जयललिता जी है ना यहाँ पर, मतलब थी वहां पर जो है पट कथा दिखाई जाती थी, ये हो गया तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जब तेलंगाना नहीं सेपरेट हुआ था तो यहाँ पर बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, और मुस्लिम पॉपुलेशन क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, बुर्का पहनती है, एंड दिस फ्रॉम दिस बुर्का यू कैन मेमोराइज दिस आपकी जो बुर्रा कथा है एंड बोम मलाटू। तो यहाँ जो होता है बुर्रा एंड बोम मला, ये दो चीज याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको कुछ चीजें याद करवा दी गई हैं, ठीक है। अब जरा आते हैं हम लोग और वापस रिवाइज करते हैं, देखते हैं कितना चीज याद हो गया। अब देखिए यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि चीजें जो होती हैं वो देखी जा सके। चलिए जम्मू कश्मीर के हम लिए हम लोगों ने बात किया हुआ था क्या चीज, यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है द थिंग इज जबरदस्ती दुमकी स्पा। तो जबरदस्ती से क्या हो गया, जबरदस्ती का मतलब हो गया जबराओ, फिर स्पा का मतलब हो गया स्पावो, और धूम का मतलब हो गया डी एच यू एम, धूमल से धूम हो गया, और मास्क और रॉफ तो खैर याद ही हो जाएगा आप लोगों को, क्लियर है। ओके, पंजाब के लिए तो खैर कुछ बताना ही नहीं है, घूमर हो गया, भांगड़ा तो आपको पता ही होगा, गिद्धा भी याद ही होगा क्योंकि ये दोनों काफी फेमस है तो याद होंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए यहाँ पर क्या है, चरवा, मतलब कि वही जो चरवाहे हैं, नोमैडिक्स हैं बेसिकली, वो चरवाहे हो जाते हैं, तो चरवा याद हो जाएगा। और बाकी जो होता है नट्टी से आप याद ही कर लेंगे कि बेसिकली दिस इज नट, और नट क्या होते हैं, जो फोक डांसर्स परफॉर्म करते हैं। राजस्थान में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, घूमर, कालबेली और चकरी, ये दोनों तीनों जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप खुद ही रहते हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं दिस इज रासलीला, और धोबिया और दादरा, यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। बिहार में अगर बात करें तो वही बिरहा और जाट जाटनी और देख ही लिए हैं। वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने देखा हुआ था कि यहाँ पर छऊ और अलका याग्निक थी, ठीक है। गुजरात में अगर देखेंगे तो गरबा है, गरबा तो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, हर एक पार्टी वार्टी में लोग जो है गरबा ही डांस करना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि दीज आर आवारा, आवारा का मतलब जवारा, ठीक है, जवान आवारा, तो ये बन गया जवारा। बाकी राई, राई यहाँ पर जो होता है होता ही है एग्रीकल्चर में, अगर आप देखेंगे तो ज्वार, बाजरा, रागी, तो राई यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा बरेडी और बधाई, ये दोनों तो काफी मतलब इजी है, इजी टू रिमेम्बर है। उड़ीसा में अगर बात किया था हम लोगों ने क्या यहाँ पर कि डंडे से मार करके दाल पिलाया गया है, तो यहाँ देखिए डंडे से मार करके दाल पिलाया गया। ओके, चलिए आइए दाल पिला देते हैं। देखिए यहाँ पर छऊ और पायक, पायक तो याद हो जाएगा क्योंकि यही की लोकल ट्राइब ही है, और यही बेसिकली जो होता है वो पायका रिबेलियंस भी हुआ था। इसके अलावा झूमर, दिस इज इंपॉर्टेंट, डंडे से मार करके दाल खिलाया या पिलाया गया, याद हो गया यहाँ से डंडे से मार करके। बाकी छेंगू और गोटीपुआ, दिस इज इजी टू रिमेम्बर अगेन। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए छोटी सी ट्रिक अगेन, वहां पर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि गोरी मौर्या, गोरी मौर्या राउत, जैसे क्या है कि एक एक्ट्रेस भी है ना सम राउत करके, तो वहां से याद कर सकते हैं कि जो गोरी मौर्या राउत ये नाचती है, तो नाचती है से अगेन आप याद कर सकते हैं, दिस इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है। ओके, वन सेकेंड, चलिए यहाँ पर फिर उसके बाद झारखंड में अगर देखेंगे तो छऊ ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, अलकाप, घूमर, ये दोनों, ये तीनों जो होता है वो कॉमन से हो गए। इसके अलावा मटकी आप याद कर सकते हैं कि ये मटकी फोड़ने वाला काम होता है। बाकी कर्म नाच जो होता है ये कर्म करने वाले लोग होते हैं, और
छोटा नागपुर प्लेटू के लोग बड़े कर्मकांड करने वाले होते हैं, तो कर्म करने वाले ही होते हैं। केरला में अगर देखेंगे तो केरला में मैंने यहां पर देखिए आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताई हुई है कि पद्यानी का परिचय कथा कई करोड़ लोग बताए थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुंभी एंड मैलाटम, ये दोनों के दोनों तो कॉमन ही है। पद्यानी का परिचय कथा, ठीक है, कई करोड़ लोग, कई कोटि, तो कई कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़, तो कई कोटि लोग, कई करोड़ लोग बताने वाले थे। तो यहां से याद हो जाएगा ये चक्यार कुथू, बेसिकली सिंगल टर्म है, एक ही चीज है, तो आप कुथू याद रखिए, कथा याद रखिए, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो दिस इज कॉमन। ठीक है, और यहां पर क्या है, पटकथा सुनाई जा रही थी, तो ये हो गई पटकुनिया, तो पटकथा हो जाएगा यहां से। कड़ंगम साड़ी और कवादी, ये तो याद ही हो जाएगा। कर्नाटक में भूत लोग हैं, भूत बेसिकली आईटी सेक्टर के लोग होते हैं यहाँ पर, तो भूत होते हैं, वो दिन रात काम करते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग, अगेन मैंने बोला था कि यहाँ पर जो होता है वो बुरखा से याद कर सकते हैं, दिस इज बुर्र कथा एंड बुट्टा मलातम। ठीक है, महाराष्ट्र में लावनी, लेजिम एंड कोली, ये इजी टू रिमेम्बर है। गोवा में अगर देखेंगे तो देखिए गोवा में क्या होता है, तरंग, मतलब लोग जाते हैं एंड दे मेक वेवी हैंड्स, वेवी हैंड बनाते हैं ना, क्योंकि लोग छुट्टियों में जा रहे होते हैं तो तरंग बनाते हुए जाते हैं, वेव बनाते हुए जाते हैं, तो तरंग, फुगदी एंड लैंप डांस, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। नागालैंड में बैम्बू बहुत ज्यादा होता है, ऑल्दो होता तो वैसे मेघालय में है, लेकिन खैर यहां पर भी आप याद कर सकते हैं कि रंग करके आप बैम्बू को नाच रहे हैं। मिजोरम से आप याद कर सकते हैं चेराओ। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फोक डांसेस, उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरीके से याद भी हो गया होगा। एक बार केवल आपको रिवाइज करने की जरूरत है और रेगुलरली जरूरत है, अदरवाइज जो होता है ये सारी जो छोटी मोटी ट्रिक्स होती है वो सब भूल जाती हैं अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो वी हैव मार्शल आर्ट्स ऑल्सो, तो हम लोग अब जरा मार्शल आर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए अगेन द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू, कि हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद से एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से फिर हम लोग वापस से आएंगे और रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ याद हुआ या क्या कुछ हुआ है। तो यहां पर देखेंगे अगेन, देखिए पंजाब में जो इनका मार्शल आर्ट है उसका नाम है घटक, दिस इज घटना हो गई है तो घटक हो गया है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर आएंगे तो यहां पर चोलिया है, उड़ीसा में आपको पता ही है पायक होगा क्योंकि यहाँ के पायका रिबेलियंस ही हुए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कलारी पयट्टू, इसके लिए तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है, विद्युत जामवाल द एक्टर वो, और हमारे यहाँ पर एक और है, ये दो लोग जो है बेसिकली कलारी पयट्टू के लिए समय है। इनफैक्ट जो चाइना में जो भी कुंगफू पांडा या जितने भी लोग गए हैं वो बेसिकली कलारी पयट्टू से ही मतलब आगे बढ़े हुए हैं, तो कलारी पयट्टू इज द ओरिजिन ऑफ द मार्शल आर्ट एंड फ्रॉम हियर इट स्प्रेड टू द वर्ल्ड। इसके अलावा अगर सिंकी में देखेंगे तो बेसिकली पैंग लाभोसोल, ये जो होता है इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ का मार्शल आर्ट है। इसी तरीके से मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर में क्या है, थांग टा एंड सिरित सरक, इसके अलावा शिबी, शिबी गधा, ये जो है बेसिकली जो है मणिपुर का हो जाएगा। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो अगेन लाजिम, इसके अलावा मर्दानी खेल एंड मल्ला खम्ब, ये बेसिकली जो होता है वो मार्शल डांसेस है। तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो वी हैव सिलंबम, वर्मा अटी एंड कुथू वरी सई। ठीक है, बिहार में अगर देखेंगे तो परी खांड, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो थोडा एंड आगे बढ़ेंगे अगर तो मिजोरम में अगर देखेंगे तो इन बुआन रसलिंग और इंसु नार, ये बेसिकली जो होता है मार्शल आर्ट्स है। यूपी में अगर देखेंगे तो मुष्टि युद्ध, मुक्के से मारना युद्ध, यूपी में लोग क्या कहते हैं, एक मुक्का मारेंगे वो क्या हुआ, मुष्टि, मुष्टि का मतलब होता है मुक्का मारना। फिर उसके बाद से क्या होता है, कश्मीर, कश्मीर का मतलब है स्क्वैक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, दिस इज काठी समू। इसके अलावा अंडमान निकोबार में किरीप एंड सल्दू, तो खैर ये किरीप एंड सल्दू आप याद कर सकते हैं क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड फ्रॉम द किरीप वर्ड यू कैन स्मेल लाइक, यहां पर कुछ कह लीजिए कि मरीन टाइप का बातें होने वाली हैं, तो किरीप से एक स्मेल टाइप की आती है, मतलब कि एक जो होता है वो मरीन टाइप की बातें आ रही हैं, तो आप इजीली जो होते हैं अंडमान निकोबार यहां से याद कर सकते हैं। बाकी के लिए मैं बता देता हूं, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, यहां पर जो है एक टॉय बनाया जाता है और वो भी स्पेशल टाइप की वुड से बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, लकड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, काठ, काठ का मतलब क्या होता है, काठी हो गया, काठी से आप याद रख सकते हैं, दिस इज काठी समूह, याद हो गया क्या चीज है। तो आंध्र प्रदेश का जो GI टैग है वही इनका कह लीजिए कि मार्शल आर्ट है। कश्मीर स्क्वैक समथिंग डिफरेंट, अगेन जो होता है यहाँ पर डक याद कर सकते हैं, डक क्या करती है, क्वैक क्वैक करती है ना, तो वही क्वैक यहाँ पर हो गया। यूपी में तो खैर मुक्का मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मिजोरम के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग इज IN, अगेन यहाँ पर IN,
आई एन को अगर आप पलट देंगे तो एन आई और एम आई भी कर सकते हैं आप इसको। एम आई मतलब मिजोरम, याद हो गया, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, कुछ नहीं इसमें कुछ करना है। आगे अगर देखेंगे तो पंजाब में घटक कुछ करना ही नहीं, उत्तराखंड में चोलिया, दिस इज समथिंग इजी टू रिमेंबर, कर सकते हैं। उड़ीसा में तो पायक रिबेलियन है तो कुछ करना ही नहीं है। कलारी पेट टू केरल देखो कभी भूलेंगे नहीं, वी हैव डिफरेंट मूवीज विच आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द कलारी पेट टू, कई सारी अब तो मूवीज बन गई हैं। इसके अलावा सिक्किम में फैंग से याद कर सकते हैं, या सिक्किम में देखिए क्या है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग काफी ज्यादा है, तो बुद्धिस्ट लोग ज्यादा है और सबसे ज्यादा बुद्धिज्म कहाँ पे है, तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी क्या थी, ल्हासा थी, एंड द सेम थिंग इज हियर, ला भोसोल। तो ये आप याद कर सकते हैं, एल एच ए से आप जो है इजिली यहां से निकाल सकते हैं। मणिपुर क्या होता है, देखिए अगर मणिपुर का अगर आप मैप देखेंगे तो मणिपुर समथिंग लाइक दिस, यहां पर मणिपुर होती है, मणिपुर के साथ में यहां पर लगा होता है थाईलैंड। तो क्या हुआ, मणिपुर में अगर आप, मणिपुर से अगर आप पहाड़ों पे सरकेंगे तो कहां जाके गिरेंगे, थाईलैंड में। तो एक तो हो गया सरक और कहां गिरे, थाईलैंड में, तो थांग टा, तो थांग टा, तो बस वही चीज है। देखिए थाईलैंड में आप सरक गए हैं, सरक गए हैं, थांगला हो गया है, बाकी चेबी वगैरह तो खैर याद ही रह जाएगा। महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में क्या है, मर्दानी एंड मल्ला, ये दो चीज याद रख सकते हैं, बाकी लेजिम तो इनका फोक डांस भी था, दोनों ही चीजें थी। तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो वी हैव, यहां पर एक लिटरेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिलापद्दीकरम, दिस इज शिलापद्दीकरम, ठीक है। और शिलापद्दीकरम के अलावा मैं कहूंगा यहां पर याद रखिए वर्मा, वर्मा भी याद कर लीजिए, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कीर्ति वर्मन वगैरह हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्चुअली डायनेस्टी में थे, तो वर्मा यहाँ से याद करिए। इन दोनों वर्डों को अगर आप याद कर लिए हैं तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए शिला की कथा, तो शिला से शिलाम्बम हो गया और कथा से कुथु हो गया, तो समथिंग लाइक कथा और कुथु एक ही चीज है। और वर्मा जी से आप वर्मा जी को याद कर लीजिए, बात ही खत्म हो गई। बिहार में परिखांड, खांड हो जाता है, दिस इज लाइक खांड, तो याद हो गया यहाँ पर भी। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि देखिए जो यहाँ पर एरिया है वो माउंटेनियस है, इसी वजह से यहाँ पर क्या है, नोमैडिक पीपल है, और नोमैडिक पीपल बेसिकली यहाँ पर चरवाहे हैं, इसीलिए जो होता है यहाँ का डांस भी है बेसिकली वो भी क्या है, चरखा करके ही था। इसके अलावा जब भी माउंटेन पे अगर आप गिरेंगे तो क्या होती है, आपकी जो चिन्ह है या जिसको बोलते हैं थुड्डी होती है ना, तो थुड्डी जो होती है वो फट जाएगी, टूट जाएगी, दिक्कत हो जाएगा ना, तो बस वही चीज है, थोड़ा थुड्डी में चोट लग गया है, तो थोड़ा हो गया थुड्डी, क्लियर हो गया। अब चलिए अगर आप समझ गए हैं यहाँ पर, अगर ट्रिक समझ गए हैं तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कितना आपको याद हुआ। तो मिजोरम कैसे याद करना था, आई एन आई एन दोनों को पलट देंगे तो एम आई बन जाता है, मिजोरम आ जाएगा। यूपी में मुक्का मार रहे थे, कश्मीर में डक थी, बत्तख थी, तो क्वैक क्वैक कर रहा था। आंध्र प्रदेश में अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो जीआई टैग था वो लकड़ी था, लकड़ी या फिर जो भी यहाँ के टॉय है, और वहीं से आप याद कर सकते हैं दिस इज काठी। अंडमान निकोबार करीब से जो होता है वो मरीन की बातें हो जाती हैं। बाकी पंजाब के लिए घटक ये तो आराम से आप बात कर सकते थे। चोलिया ये जो होता है वो उत्तराखंड का हो जाएगा। पायक रिबेलियन उड़ीसा का हो जाएगा। कलारी पेयर टू मूवी बनी हुई है। बाकी ल्हासा से याद कर सकते हैं दिस इज सिक्किम। इसके अलावा मणिपुर में माउंटेन है, माउंटेन से आप सरक गए हैं और सरक करके थाईलैंड में पहुंच गए हैं, तो यहां से थांगटा और सरित और सरक ये दोनों याद कर लिए, छी भी आपको याद हो जाएगा। बाकी मर्दाना और मल्ला ये दोनों महाराष्ट्र से आ जाएगा, लाजिम इसका जो होता है फोक डांस है। शिलापद्दीकरम और वर्मा जी ये दोनों लोगों को याद करना था, शिला की कथा वर्मा जी, ठीक है। परिखांड, खांड हो गया बिहार से, थुड्डी टूट गई है किसकी, हिमाचल प्रदेश की, तो याद हो गया दोनों चीजें, मार्शल आर्ट भी याद हो गया। तो बस फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी नए न्यू ईयर्स हैं या फिर जो भी फेस्टिवल्स वर्ल्ड मतलब कि इंडिया में मनाए जाते हैं विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर आवर आर्ट एंड कल्चर। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, स्टिल भी होती है कई सारे और भी छोटे छोटे डांस फॉर्मेट हैं, तो आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशियंट और इससे बाहर नहीं आना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।